आई एम जीशान एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक है, जैसा कि रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें अपने ओपिनियन शेयर किया था कि क्या अभी अकाउंटेंट जॉब को सर्च करना या फिर ढूंढना कैसा रहेगा, ये सही है या फिर गलत है। क्योंकि लॉट्स ऑफ पीपल्स मुझे कमेंट्स करते थे, मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर, ऑल्सो मुझे DM करते थे मेरे इंस्टाग्राम पर, वो लोग मुझसे पूछते थे कि कैसे अकाउंटेंट जॉब को पाया जाए, कैसे ढूंढे अकाउंटेंट जॉब को। तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन उसके बाद अपलोड करने के बाद लॉट्स ऑफ लोग ये पूछ रहे थे मुझे मेरे DM करके मेरे इंस्टाग्राम पर, क्या अब कोरोना वायरस क्या ख़त्म नहीं होगा, क्या मुझे अकाउंटेंट जॉब मिलेगा नहीं, मैंने सब कुछ सब सीख लिया है, टैली सीख लिया है, मेरे पास सर्टिफिकेट है, बट मुझे जॉब नहीं मिल रही है। देखिए, डिपेंड करता है कोरोना केसेस, क्योंकि अभी अगर आप मुंबई जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं जॉब करने के लिए, तो वहाँ के हालात अभी सही नहीं है, जिसके कारण अभी जॉब आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, सर्च नहीं कर पाएंगे। बहुत से ऐसे जगह है, जैसा कि मेरे हिसाब से तो अभी ये वक्त नहीं है जॉब करने का, क्योंकि आपको मिलेगा ही नहीं मेरे हिसाब से। एंड बहुत से ऐसी कंपनी है जो वर्क फ्रॉम होम करवा रही है, एंड बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जॉब से हाथ धो बैठे हैं, और ऐसे बहुत से तमाम ऐसे लोग मिल जाएंगे तो मेरे हिसाब से अभी जो आप लोग सोच रहे हैं एज अ अकाउंटेंट, तो अभी मेरे हिसाब से सही वक्त नहीं है। बढ़ते कोरोना केसेस ने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल दिया है बहुत से ऐसी कंपनी, जैसा कि आप अगर महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, बहुत से ऐसी कंपनी बंद हो गई है क्योंकि बढ़ते कोरोना केसेस एंड लॉकडाउन ने। बहुत से ऐसी जगह है जहां पे पूरी दिन रात लॉकडाउन बंद है, तो इसके हिसाब से बहुत सी कंपनियाँ बंद रहती हैं। एंड बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पे वीकेंड लॉकडाउन है, बहुत सी ऐसी जगह है जो नाइट एंड डे लॉकडाउन पे, जैसे जिसकी सुविधा है वैसा काम कर रहा है, और वहाँ की गवर्नमेंट भी अपने काम को अंजाम दे रहा है, बढ़ते कोरोना केसेस को हैंडल करना चाह रही है। बट ऐसा इतना ज़्यादा ग्रो हो गया है कि अब शायद हैंडल भी नहीं हो रहा है उन लोगों से, गवर्नमेंट से, बट कोशिश उन लोग की जारी है। आई होप कि सब कुछ स्टेबल हो जाए, ये मेरी दिल से दुआ है। आप लोगों का भी, आप लोग प्रे कीजिए, मतलब सब कुछ सही हो जाए, जो जॉब नहीं पा पा रहे वो उन्हें जॉब मिल जाए, जो जैसे जिसकी ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से सब कुछ पूरा हो जाए। क्योंकि बहुत से कंपनी वर्क फ्रॉम होम करा रही है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंपनी से जॉब छूट गई है, जिनकी जो प्रॉब्लम में है, तो उन सब के लिए आप प्रे कीजिए, अपने दुआओं में याद कीजिए कि सब कुछ सही हो जाए, एंड जो जैसा काम कर रहा था वैसा काम करे, और जो फ्रेशर था ऐसा उन्हें जॉब मिल जाए। यही मेरी दुआ है आप सब के लिए, क्योंकि दूसरे के मुसीबत में शामिल होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो बहुत ही अच्छा काम है कि अपना ना देखकर अपने के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखा जाए। ये हमारा कर्तव्य है और हमें उसे पालन करना चाहिए, ये नेचर लेके आगे बढ़ना चाहिए। और आप इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ स्टेबल हो जाए जैसा कि पहले था, जैसा कि 2019 जैसा हम लोग देखे कि सब कुछ अच्छा था और लोगों को जॉब भी मिल रहा था। एंड आई होप सो ऐसा हो, और वर्क फ्रॉम होम ना करके मैं ऑफिस पे जाकर काम करूं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो एज अ फ्रेशर हैं, जो जिनको जॉब नहीं मिल पा रही, वो सब कुछ सीख गए हैं, उन्हें भी जल्द ही सब कुछ सही होने के बाद उन्हें जॉब मिल जाए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और उन लोगों के लिए दुआ प्रार्थनाएं ज़रूर करें जो अभी प्रॉब्लम है।